रहा है बाबू, हैं? तुम्हारा ना बुरा समय आ रहा है, रखो ना रे, मैडम सर आ रही हैं, वो निकालेंगे तुम्हारे भूत का भूत। तो कैसे इंसान हो, शर्म वरम आता है कि नहीं तुमको? इस साधु लोग का इतना पवित्र वेशभूषा, इसे वस्त्र धारण करके इतना गंदा, छिया कचब इंसान यार संतोष जी। कहाँ मुसीबत है, कहाँ फंस गए हम? मैडम सर को पता चलेगा कि कैसा बेकार बकवास प्लान बनाया था तो पूरा इज्जत का कचरा हो जाएगा। हमें जाने दो, हमसे गलती होगा नहीं तो हम बस में कर देंगे सबको। तुम्हारी मैया की सासू मैया पुलिस को धमकी दे रहा है, हाँ एक कंटा आप मारेंगे ना मुंह से एक ही बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा नहीं देखा। बहुत बढ़िया चेपा भी, वो भी चोरी का। इधर देखो आंखों में देख के बोलो ना, हाँ चोरी का नहीं ओरिजिनल है, थाने का कॉपीराइट है इस पे, पुलिस को चोर बोला तेरी का। संतू जी नहीं, आप मारेंगे संतू जी इसको, अरे आप मारेंगे मर मुरा जाएगा ये, इतना आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है इसका मरहम पट्टी करवाने के लिए। बाहर चलिए हम आपको ऐसा चाय पिलाएंगे, बदनमुआ का चाय आपको बहुत बढ़िया लगेगा, चलिए आइए। थोड़ी गुस्सा नहीं। तो बस माँ जी, पुत्री, गलती हो गया, जो भी किया पापी पेट के लिए किया, समझ सकते हो, हमने सुना बहुत जज्बाती हो, थोड़ा जज्बात दिखा दो हमें, जाने दो। देखो जाने तो हम तुम्हें दे नहीं सकते, इतना जरूर कर सकते हैं कि तुम्हारी सजा कम से कम हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा। क्या तुम टोटके वोटके करते हो ना, हाँ लोगों की समस्याओं का समाधान करते हो? हाँ तो हमें भी कोई ऐसा टोटका दो ना जिससे हमारी जो बहू है ना वो हमारे वश में रहे। एक मिनट दिखाते हैं हम तुमको, ये देखो ये है हमारी चुड़ैल बहू, लगती है ना एकदम खूंखार, वैसी नकचड़ी बहू है, गुस्सा देखा, गुस्सा तो हमेशा नाक पे सवार रहता है, इसलिए हम कह रहे हैं हमें कोई ऐसा टोटका दो जिससे वो हमारे वश में रहे, वो हम जो कहे वो वैसा करे, बिल्कुल हमारे गुलाम बन के रहे, हमारे अंगूठे के नीचे रहे। हाँ लेकिन पुत्री, हमारा अंतर्ज्ञान कह रहा है कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। बस काहे की अच्छी, चुड़ैल है चुड़ैल, वो भी खून पीने वाली चुड़ैल। हमको तो लगता है ना बाबा जी, हमारे लल्ला के पिछले जन्मों का पाप है जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, हमारे हंसते खेलते परिवार को नर्क बना के रख दिया इस डायन ने बहु बन के। अब क्या बताएं आपको, मन तो करता है ना उसको ना सिलबट्टे में रख के ऐसा कूटे, मसालेदानी में डाल के उसको ऐसा पीसे, वॉशिंग मशीन में डाल के उसको धोए, उसको चूर चूर करके रख दे। समझ गए देते हैं कुछ टोटका देते हैं। हाँ बाबा जी बताइए। दिया क्या दिया, अभी कहाँ कुछ दिया आपने? दिया दीपक, जलाने वाला दीपक। हाँ हाँ वो है ना, दो ना। हाँ हाँ लाते हम भी ना। शिव जी टोटका मिलने वाला है अभी। मैडम सर यही किडनैपर है। नहीं थी कि आप हमसे झूठ कहेंगे, और करिश्मा सिंह अगर अपनी टीम के साथ किसी मिशन पर जा रही थी तो किसने कहा आप लोगों को जाकर वहां दखलंदाजी करने के लिए? मैडम सर हमें माफ कर दीजिए, वो दरअसल हम बहुत डर गए थे इसलिए आपसे कुछ कह नहीं पाए।
मगर हम वहाँ इनके काम में दखल अंदाजी करने नहीं गए थे। हम तो करिश्मा जी पर नजर रखने के लिए गए थे कि कहीं वो वहाँ आके कुछ गड़बड़ ना कर दे। और देखिए ना, हमारा डर सही निकला ना, कर दी ना गड़बड़। आप रहने दीजिए पुष्पा जी, ये चटनी जो बना ना, ये आपके कारण बना है। अच्छा खासा हमारा प्लान था, बीच में आके सब गुड़ गोबर कर दिया। ये आपका अच्छा प्लान था हा? लड़की की माँ की आकर ठिकाने लगाने के बजाय लड़की को उठाया जा रहा था, मतलब सर दर्द के लिए घुटनों की मालिश हो रही थी, ये आपका प्लान था। अब मैडम सर आप ही बताइए, कोई दुख था इस प्लान में? इस मामले में हम पुष्पा जी से अग्री करते हैं, ये वाकई बहुत खराब प्लान था। अगर प्रथा की माँ को पता चल जाता कि इस सब के पीछे करिश्मा सिंह का हाथ है, तो जानती है क्या होता? आपके साथ साथ पूरे थाने के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले सकती थी। करिश्मा सिंह, अब आप एक थाना इंचार्ज हैं। अपने ओहदे की अहमियत और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस तरह के बिना सोचे समझे कदम उठाना बंद कीजिए। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर ये हमारा प्लान था, आपको कोई अधिकार नहीं है बीच में बोलने का। ऐसा लाखों बार हुआ है कि हमें आपका प्लान समझ में ही नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने उसको फॉलो किया, आपके ऑर्डर फॉलो किए, क्योंकि आप इस थाने के इंचार्ज हैं, इसलिए आप जो कहेंगी वो हमें मानना पड़ेगा, इसलिए हमने माना। लेकिन अब आप भूल रही हैं कि हम भी एक थाने का इंचार्ज है, इसलिए हमारा जो प्लान होगा वो हमारा जिम्मेदारी है, आपका नहीं। आपने अपनी टीम को वहां भेजकर हमारे प्लान को गुड़ गोबर कर दिया मैडम सर। एक सेकेंड, आपको ऐसा लगता है कि हमने इन्हें भेजा था? हमें तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था करिश्मा सिंह। रहने दीजिए ना मैडम सर, सब आपके इशारों पे ही तो होता है, आपका एक्शन प्लान था ये, जो आप कहती है वो हम सब मानते हैं, इन्होंने माना। करिश्मा सिंह थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, ये सब करके हमें क्या मिलेगा, हम क्यों करेंगे ये सब? क्योंकि आप हमसे जलती हैं मैडम सर। और शुरू से जलती आई है, हमारे तरक्की से, हमारे उड़ान से, हमारे उत्थान से, आप जलती आई है हमेशा। आप नहीं देख सकती कि आपका कोई जूनियर आपसे आगे कैसे बढ़ सकता है, आपसे आगे किसी और का नाम कैसे हो सकता है, किसी और का नाम न्यूज़पेपर पर कैसे आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मैडम सर का जय जयकार होना चाहिए इस लखनऊ शहर में, इसलिए आप जलती आई हैं हमसे, यही दिक्कत है आपका। बस एक और शब्द नहीं, अगर आपने कुछ भी कहा ना मैडम सर के लिए, तो हम भूल जाएंगे कि ये थाना है और आप हमारी सीनियर हैं। आपके अभिमान ने तो इस बार सारी हदें पार कर ली करिश्मा जी, आपको इतना भी होश नहीं है कि आप क्या कह रही हैं, किसके सामने किसके लिए कह रही हैं? देखिए मैडम सर को तो कुछ गुमान भी नहीं था कि हम वहाँ हैं। आप तो करेंगी वकालत पुष्पा जी, आप अंधभक्त जो ठहरी, आपको नहीं दिखता मैडम सर का सही और गलत। नहीं मैडम, नहीं, ऐसा 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 सच में नहीं है मैडम। कहाँ नहीं है चीपे, ऐसा कहाँ नहीं है? मतलब कि मैडम सर को सच में नहीं पता था कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मैडम ये पूरा प्लान पुष्पा जी का था और पुष्पा जी ने कहा था कि मैडम सर को ना बताएं। हाँ। बस आप दोनों का ही कमी था, आप भी पंचायत में कूद गए। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं? कोई भी पंचायती नहीं कर रहा है। हाँ मैडम, आप जानती हैं मैं झूठ नहीं बोल पाती, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा। देखो हाँ मैडम, हाँ करिश्मा सिंह, काश हमारी तहजीब में आपके इन ओछे इल्जामों के कोई जवाब होते, पर अफसोस कि हम अपनी मायार से इतना नीचे भी नहीं उतर सकते। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम की वजह से आपके मिशन में कोई भी अड़चन आई है, तो इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। मैडम सर, और इस सब के बाद भी अगर आपको अपने इस केस में हमारी जरूरत हो तो बताइएगा। वाह, बहुत बढ़िया, कितनी महान हैं आप मैडम सर। नहीं मतलब हम तो दब गए आपकी महानता के तले, हमेशा दब जाते हैं। समझ में नहीं आता आप ये कैसे कर लेती हैं मैडम सर, हर वक्त अपने आप को अच्छा और सामने वाले को बुरा ठहरा देती हैं, हर वक्त आप हीरो और सामने वाला विलन बन जाता है। आपको हमारा मदद करना है ना मैडम सर? हाँ, हमें आपका मदद का जरूरत है, आप हमारा ये मदद कीजिए कि मेहरबानी करके हमारा मदद करने का कोशिश मत कीजिएगा मैडम सर। हम अपना थाना अपने तरीकों से चलाना चाहते हैं, हमें चलाने दीजिए मैडम सर, बस ये मदद कर दीजिए। जय।
तुम चुप ही रहो, क्या कर रहे हो पूरे रास्ते? एक मिनट क्या हुआ? अरे बैठ जाइए, हम समझा रहे ना आप क्या है जी, एकदम आप दिमाग खराब कर दिए इनका। अरे आप खड़े खड़े जुगाली करिए ना, काहे परेशान कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन देंगे? मैडम ये है एडवोकेट लल्लन उर्फ एक एक को देख लेंगे। क्या कोर्ट में क्लाइंट को बोलते बोलते आदत सी पड़ गई है, इसलिए मुंह से निकल जाता है, देख लेंगे एक एक को। ठीक है बहुत बढ़िया, मुद्दे पर आ जाएं। वकील साहब इन्होंने आपको मामला तो बता ही दिया होगा, तो फिर बताइए आपका एक्सपर्ट ओपिनियन कानूनन हम क्या कर सकते हैं इस केस में। देखिए क्या है ना कि मामला थोड़ा पेचीदा सा तो है, क्या है ना कि कोर्ट में अभी तक ऐसी कोई धारा बनी नहीं जो अपनी माँ को बेटी का भला सोचने से रोक सके, पर मेरे पास ना ऐसा एक उड़न खटोला आइडिया है जिससे ये पूरा मामला जड़ से साफ हो जाएगा। बस बहुत बढ़िया, बस हम इसी उड़न खटोले आइडिया का वेट कर रहे थे। बहुत बढ़िया, तो फिर आप बैठ जाइए यहाँ पे, कुछ भी नहीं। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये सट के लगता हुआ रेलवे ट्रैक है, कुछ ट्रेन जाता तो ऐसा होता। घबराइए मत आप। मक्का मुसीबत है ये। वकील साहब घबराइए मत, आ जाइए, ट्रेन गया अभी, आ जाइए। बैठिए और बताइए आइडिया क्या है, हमको आइडिया जानना है, जल्दी बताइए। हाँ बताते। ये लीजिए, अगले रविवार तक इसको अपनी जेब में रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत पहुंचे हुए बाबा का टोटका है, कभी फेल नहीं गया। बाकी सब देख लेंगे केक को। कहाँ से उठाकर लाए ये हकीम लुकमान को? आपने कहा था कि इसका इलाज कोई अच्छा सा वकील कर सकता है, तो किसको लाना चाहिए था यहाँ पे? सॉरी मैडम, लाना तो डॉक्टर को चाहिए था इलाज के लिए। ये थाना है, ये लोग हैं ये थाना के, इनको चलाएंगे हम, और आपका मुंह देख रहे हैं, समझाइए कुछ। आप नहीं कुछ समझाएंगे? नहीं मैडम, हम समझ गए कि महिलाएं कहती कुछ और है, उसका मतलब कुछ और होता है, कहती कुछ और है, मतलब समझना चाहिए क्या? अरे कहां से समझोगे भाई, अब देखो मेरी बीवी को ही देख लो, अब इन्हें बनाने वाला खुद समझ नहीं पाया, तो हम किस खेत की मूली है? अब देखो ना, दुनिया के हर समस्या के टोटके बने हैं, पर औरत को समझने का टोटका आज तक कोई नहीं बना पाया। यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते देख लेंगे एक एक को। क्या कब से बकलोली चल रही है, चबड़ चबड़ सुन रहे हैं हम तुम लोगों का, पर का महिला का, महिला जो कहती है ना उसका मतलब भी वही होता है, समझ रहे हमारी बात को? कंफ्यूज होते हो तुम लोग मर्द, कहते कुछ और हो करते कुछ और हो। 100 बार बोर्ड लाओ और 100 बार उस बोर्ड पे लिखो कि महिला जो कहती है उसका मतलब भी वही होता है, नहीं तो लाइन हाजिर कर देंगे 2 मिनट में, ठीक है? और इसको धमकी मत समझना, क्योंकि हम भी एक महिला है और हम भी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। समझ गए मैडम, समझ गए। और आप भाई साहब, हमने आपको यहाँ किस लिए बुलाया था? ताकि हम ये जो टोटके टाटके हो रहे हैं इससे पीछा छुड़वा सके, और आप है कि आप अपने टोटके का दुकान हमारे सामने लाके खड़ा कर रहे हैं। देखिए अगर आपके पास कोई कानूनन एडवाइस, कोई लीगल एडवाइस है तो वो हमको बताइए, नहीं तो फिर जय राम जी की, निकलिए यहाँ से, कटिए। मैडम क्या है ना कि कोर्ट कचहरी के मामलों में टाइम बहुत लग जाता है, टोटको से काम जरा जल्दी बन जाता है, इसलिए तो टोटके डिमांड में है ना, इसलिए साइड बिजनेस यही है अपना। वैसे से लॉयर हमारे पास और भी तरीके हैं उस लेडी को रोकने के। जैसे हम लड़की की माँ के ऊपर मेंटल टॉर्चर का चार्ज लगा सकते हैं, जिसकी वजह से लड़की इतनी हलकान हो चुकी है कि सुसाइड भी कर बैठे। बस हो गया काम, बाकी देख लेंगे केक को, उसमें क्या है? ये हुआ ना बात, वकील साहब बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने। हम प्रथा की माँ को टोटका करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेंगे और कानूनन गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ अम्मी, हमें आपकी सारी बातें बहुत अच्छे से याद है, हम कुछ नहीं भूले। वही ना कि सफ़ेद रंग का कुछ मत खाना, हमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, नहीं मतलब खाया है, सफ़ेद रंग का नहीं खाया, ठीक है? अम्मी अब हमने सफ़ेद रंग का खाया या नहीं खाया, इस वजह से गाड़ी खराब हो गई है, इस बात का क्या कनेक्शन है? नहीं सॉरी, हम गुस्से में नहीं हैं, हम बस ये केस को लेके परेशान हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया। हाँ अम्मी, हमें दूसरा फोन आ रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलिए फोन रख रहे हैं, ओके बाय। वैसे मैडम सर, आपकी अम्मी भी बिल्कुल वैसी ही है ना? कैसी?
प्रथा की मम्मी की तरह अंधविश्वासी। हाँ कह सकते हैं, सबकी मम्मी ऐसी होती है, मेरी मम्मी भी ऐसी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर घर में नल से पानी टपक रहा है मतलब कुछ बहुत बुरा होगा हमारे साथ। देखिए ना, उनकी बात गलत भी नहीं लगती। अब मेरा क्वार्टर का नल वापस लीक करने लग गया और करिश्मा मैडम का ट्रांसफर हो गया, तो हमारी टीम टूट गई ना मैडम सर। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बहुत अच्छे से प्लम्बर को बुलाना चाहिए और मेरे क्वार्टर का नल ठीक कराना चाहिए। हो सकता है कि करिश्मा मैडम वापस आ जाए और हमारी टीम वापस एक हो जाए। गाड़ी ठीक हो गई? हो रही है, करती हूँ। प्रथा, प्रथा तुम अपनी जान देना चाहती हो? तो और मैं क्या करूं मैडम सर, मेरी सारी उम्मीद टूट गई है। देखो प्रथा, इतनी जल्दी ना उम्मीद नहीं होते। I'm sure कि बहुत जल्द झूठी उम्मीद देने की जरूरत नहीं है मैडम सर। मुझे लगा था कि करिश्मा मैडम कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। अब कोई उम्मीद नहीं है मुझे उनसे। कल मेरी माँ मुझे वहीं ले जाएगी, वो टोटका पूरा कर देगी जो अधूरा रह गया था, मेरी शादी एक बकरे से। नहीं नहीं, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मर ही जाती हूँ, ना मैं रहूंगी और ना माँ के ये टोटके। प्रथा देखो, ऐसे नहीं सोचते। दुनिया की कोई भी मुश्किल एक इंसान के हौसले से बढ़कर नहीं होती। आपके लिए कहना बहुत आसान है मैडम सर, आप मेरी जगह पर नहीं है ना। अगर आप पर ये सब गुजरी होती ना तो। नहीं गुजरी है मैडम सर पे, अभी थोड़ी देर पहले ही गुजरी है। हमारे अब्बू के गुजर जाने के बाद जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां हमारी अम्मी पर आ गई, हमारी पढ़ाई की, हमारी शादी की। उन्होंने बहुत कोशिश की हमारी शादी कराने की, पर वो कामयाब नहीं हो पाई। नतीजा ये कि एक नाउमीद इंसान बहुत जल्द अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। हमारी अम्मी भी हो गई तुम्हारी अम्मी की तरह। फिर यही सब शुरू हो गया कि वो रंग मत पहनो, इस रंग का कुछ खाओ मत। इस सब से हमारी शादी तो नहीं हुई, लेकिन खुद के लिए बहुत बुरा लगने लगा हमें। सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां ही उड़ गई। जिंदगी ऐसा लगता है जैसे बस इन टोने टोटकों में सिमट कर रह जाती है। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी, हमने खुद को संभाला, अपनी पढ़ाई पूरी की, मेहनत की, पुलिस की एग्जाम दी, और आज जैसे भी हैं, जो भी हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं। हाँ शादी हमारी अब तक नहीं हुई, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हुई नहीं, इसलिए क्योंकि हम नहीं करना चाहते। हम जिसे चाहते थे वो हमें मिला नहीं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अम्मी के टोने टोटके हाँ अब भी जारी हैं, अब भी वो कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, और हम मान भी जाते हैं, कर भी लेते हैं, इसलिए क्योंकि हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। प्रथा हम तुमसे वादा करते हैं, कल तक तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सच? हाँ, लेकिन तुम अभी घर जाओ और अपनी माँ के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना, जैसे कि कुछ हुआ ही, वरना उन्हें शक हो जाएगा। और कल हम तुम्हें वहीं मिलेंगे जहाँ तुम्हारी माँ तुम्हें ले जाने वाली है। ठीक है मैडम, पता नहीं क्यों पर आपकी बातों पर भरोसा करने को बहुत मन कर रहा है। थैंक यू, ध्यान रखना। मैडम सर ये आपने क्या किया? करिश्मा मैडम ने कहा था इस केस से दूर रहने के लिए और आपने प्रथा को वादा कर दिया। वो अपनी जान देने पर आमादा थी, मजबूर थी। हम और क्या करते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब तो कर दिया वादा, जो होगा देखेंगे। देखें
रेडी पुष्पा जी? हाँ हाँ, हम तो कब से तैयार बैठे अभिनय करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। एक सेकंड, प्लीज ओवर एक्टिंग मत करना पुष्पा जी, हम पकड़े जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा सटल, थोड़ा सा आराम से करेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं। अरे हम कहाँ करते ओवर एक्टिंग, और तुम हमसे छोटी हो ये मत भूलो, तुमसे ज्यादा अभिनय आता है हमें। और वैसे भी तुम शायद भूल रही हो कि मोहल्ले के नाटक मंचन में 2 बार हमने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। अच्छा, पहला अवार्ड किसने जीता है? भयंकर तूफान में झूमता पेड़, और दूसरा पागल नदी, एकदम सहज अभिनय किया था हमने। और तुम हमें ओवर एक्टिंग कहती हो? सॉरी पुष्पा जी, सॉरी, शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.